जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर, आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी भाई बंधु काफी समय से पूछ रहे हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2022 का जो एग्जाम कब होगा दोस्तों, आज की क्लास में दोस्तों आप सभी भाई बंधु को जानने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब आप सभी भाई बंधु आज से ही तैयार हो जाइए अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि मैं आपको एग्जाम की डेट बताने जा रहा हूं। इसलिए आप सभी भाई बंधु हर सब्जेक्ट को बहुत ही ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सीखिए, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके पेपर के लिए अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। और आप सभी भाई बंधुओं को पता है कि आप सभी भाई बंधुओं के पेपर 3 दिन के अंदर सारे पेपर हो जाते हैं। सारे पेपर कहने का था कितने, 8 पेपर आप सभी भाई बंधुओं के होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और वो भी 3 दिन के अंदर आपके 8 के 8 पेपर समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ही ईमानदारी के साथ सीखिए। 6 महीने का आपका सेमेस्टर है, और उसमें 6 महीने के सेमेस्टर में जो आपने मेहनत की वह आपको 3 दिन के अंदर प्रूफ करनी होती है। इसीलिए 3 दिन के अंदर ही आपके क्या 8 पेपर होंगे। इसीलिए आपको ईमानदारी के साथ मेहनत तो करनी ही होगी, और यदि आप ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। बस आप अच्छी राइटिंग लिखिए, आपका लेख सुंदर होना चाहिए, और आप टाइमिंग मतलब आपकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए, तब जाके आप हर पेपर अपने टाइम के अंतर्गत कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आप अपनी स्पीड अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, कहने का मतलब आप पेपर को सॉल्व करिए, तब जाके आपकी स्पीड अच्छी होगी। दोस्तों, मैंने आप सभी भाई बंधुओं को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है मैंने आपको कंप्लीट कराया है। यदि आप चाहते हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का पूरा सिलेबस हर चैप्टर वाइज आप बिल्कुल सीरियल वाइज देख पाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट भी आप सभी भाई बंधुओं के लिए बनाई है, जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी भाई बंधुओं की मैथ्स की प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप सभी भाई बंधुओं के लिए क्या प्रैक्टिस सेट भी सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इस समय आप सभी भाई बंधुओं की प्रैक्टिस भी चल रही है। तो दोस्तों, प्रतिदिन शाम 5 बजे मैथ्स की प्रैक्टिस चल रही है। दोस्तों, आप सभी भाई बंधु तैयार हो जाइए, और क्या रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करिए। और यदि दोस्तों आप ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपके सारे पेपर अच्छे होंगे, और मैथ का भी पेपर बहुत अच्छा होगा। मैंने पहले भी बताया क्या कि पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया, हर टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कराया है। इसीलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। बस अब आप सभी भाई बंधु तैयार हो जाइए। दोस्तों, आप सभी भाई बंधु के एग्जाम जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, उन सभी भाई बंधु के एग्जाम अप्रैल मंथ में होने वाले हैं। किसमें? अप्रैल महीने में। ठीक दोस्तों, यानी कहने का मतलब है, जहां तक दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी भाई बंधुओं के जो अप्रैल महीने में पेपर हो जाने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जहां तक दोस्तों 15 अप्रैल के बाद आपके पेपर प्रारंभ होंगे, या थोड़ा लेट यदि होगा तो क्या मई में पहुंच जाएगा। ठीक है, मई के शुरुआत में, या तो 15 अप्रैल के बाद में जाएगा या मई के शुरुआत में। यानी कहने का मतलब, आप ऐसी तैयारी करिए कि आपके पेपर अप्रैल से प्रारंभ होने वाले हैं। कब से? अप्रैल मंथ से प्रारंभ होने वाले हैं, और चल क्या रहा है? जनवरी। क्या चल रहा? जनवरी चल रहा है। तो दोस्तों, जनवरी चल रहा है, उसके बाद क्या? फरवरी, मार्च। 2 महीने आपके पास है, फरवरी और मार्च। जनवरी तो मान लीजिए गया, अब कितने दिन इसमें बचे हैं? आज 18 तारीख है ना, तो जनवरी तो मान लीजिए समाप्त हो गया, तो 2 महीने आपके पास सही से बचे हैं। यदि अभी भी आप सभी भाई बंधु हर सब्जेक्ट को अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से उसकी तैयारी करते हैं, अच्छे से उसका प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी भी आप सभी भाई बंधु क्या 90+ नंबर ला सकते हैं।
और मुझे उम्मीद है जो भाई बंद कर रहे होंगे क्योंकि 90 प्लस नंबर आने ही आने हैं, 90% से ऊपर आपके नंबर आएंगे यदि आप अभी भी तैयार हो जाते हैं, अभी भी क्या रेगुलर अच्छे से हर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। मैं बार बार इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूं कि अभी से तैयार हो जाए, क्योंकि आपके पेपर 3 दिन के अंदर ही सारे हो जाते हैं। इसलिए मैं इस बात को बार बार को दोहरा रहा हूं कि क्या 6 महीने की मेहनत आपको 3 दिन के अंदर क्या प्रूफ करनी होती है। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप अभी से, इसी वक्त से, आज ही से अच्छे से अपनी हर सब्जेक्ट को तैयार करिए, क्योंकि आप समाज के एक भावी शिक्षक हैं और शिक्षक यदि ईमानदार होगा तो क्या होगा, समाज का उत्थान होगा। इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए, होना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आप ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा दोस्तों। और यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है दोस्तों तो आप निसंकोच अपने भाई से पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपके अदर भाई बंधु जो नहीं जानते कि हमारे एग्जाम कब होने वाले हैं, परेशान हैं कि हमारे एग्जाम कब होने वाले हैं, तो उनके तक भी यह सूचना पहुंच जाए। इसीलिए आप इस वीडियो को क्या ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करिएगा। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।